के भंडार से निकले 7,32,49,500 रुपए। बता दें कि प्रतिमाह कृष्ण पक्ष चतुर्दशी और अमावस्या को भगवान श्री सांवलिया सेठ के 2 दिवसीय मासिक मेला आयोजित किया जाता है। इसी क्रम में मंगलवार को कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को ठाकुर जी को 2 दिवसीय मासिक मेले में पहले दिन भगवान श्री सांवलिया सेठ की राजभोज की आरती के बाद ठाकुर जी का भंडारा कड़ी सुरक्षा के बीच खोला गया। इसके बाद मंदिर परिसर में स्थित हॉल में भंडारे से प्राप्त राशि की गणना की गई है। सार्वजनिक रूप से इसे करा जाता है। इसी के साथ साथ मंगलवार को राशि की गणना करने के बाद भी भंडारे से प्राप्त संपूर्ण राशि की गणना नहीं हो पाई है। साथ ही ठाकुर जी के भंडारे से प्राप्त सोना तथा चांदी का वजन करना भी शेष रहा है। इधर मंदिर मंडल भेंट कक्ष कार्यक्रम आपको बता दें कार्यालय में नगद व मनी ऑर्डर के रूप में प्राप्त राशि की गणना तथा भेंट स्वरूप प्राप्त सोना तथा चांदी का वजन करना अभी शेष है, इनको भी किया जाएगा। इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है, इस वक्त के बड़े अपडेट सामने आए हैं, जहां पर उदयपुर में हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ किया गया है। देवी देवताओं की मूर्तियां पर खंडित की गई है। मंदिर में देवी देवताओं की मूर्तियां जो है उन्हें खंडित किया गया है और मूर्तियों के साथ छेड़छाड़ करने से लोगों में आक्रोश नजर आ रहा है। आप तस्वीरें लगातार देखते रहिए किस तरीके से हिंदू मंदिर में यहां पर मूर्तियां जो है वो खंडित की गई है और स्वरूप सागर के पास बने मंदिर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। इस मामले को लेकर के पुलिस भी अलर्ट मोड पर नजर आ रही है, तमाम आरोपियों की तलाश की जा रही है। उदयपुर में हिंदुओं की आस्था के साथ ये खिलवाड़ देखने को मिला है। मंदिर में देवी देवताओं की मूर्तियां खंडित की गई है। इसी के साथ साथ मूर्तियों के साथ छेड़छाड़ करने वाले लोगों की भी तलाश की जा रही है। स्थानीय लोगों में इसको लेकर के आक्रोश नजर आ रहा है। असामाजिक तत्वों ने ये काम किया है, इसको लेकर के जानकारियां सामने आ रही है। स्वरूप सागर के पास बने मंदिर का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। तो उदयपुर में हिंदुओं की आस्था के साथ ये खिलवाड़ हुआ है। मंदिरों में देवी देवताओं की मूर्तियां जो है उन्हें खंडित किया गया है, उनके साथ छेड़छाड़ की गई है। इसको लेकर के स्थानीय लोगों में आक्रोश नजर आ रहा है। असामाजिक तत्वों द्वारा ये पूरा के पूरा काम किया गया। इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है।